अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग पार्ट फोर है ब्लेंडर बिगिनर सीरीज में। इसके ऊपर हम लोग ये मेट्रो स्टेशन वगैरह के बारे में सीखेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आप लोग जो फ्यूचर पार्ट है आपको फ्यूचर के साथ अपडेट रह सकें। और मेरे ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम सबको भी फॉलो कर लें ताकि आपको डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं। तो इस पार्ट के अंदर हम लोग जो है ये रोड टैक्स भी क्रिएट करेंगे। इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम लोग काफ़ी सारे मोड पार्ट्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो स्टेशन वगैरह को हाइड कर दें। न्यू कलेक्शन क्रिएट कर दें, हम लोग इसे कहेंगे रोड। ठीक है, और फिर शिफ्ट ए मैश क्यूब करें, फिर एस डेट कर इसे फ्लैट कर दें, टैब को आगे एडिट मोड में चल जाए और कंट्रोल आर दबाएं और इसे फाइनलाइज कर दें डबल क्लिक करके। ठीक है, अभी लुक अपडेट हो गया है। और जेड वायर फ्रेम में चल जाए, बीस लैक्स आप बीस बॉक्स सेलेक्ट करके और फिर पीछे बॉक्स तक करें साहब, और टैक्स पेजेस डिलीट कर दें, सारे पेजेस डिलीट कर दें। अभी हमारे पास हाफ स्क्वायर रह गया। ठीक, तो सॉल्व मोड में चले जाते हैं। आप एड मॉडिफायर करें, आप हम फिर से चूज करेंगे मिरर मॉडिफायर। बल्कि मिरर मॉडिफायर से पहले एक और चीज है, क्योंकि हम लोग मैंने कहा था मिरर मॉडिफायर का मॉडिफायर एडवांस के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर से टैब वाके एड मोड में चले जाएं, कंट्रोल आर दबाएं, इस साइड से आप ये जो हो गया बन गया तो सेट स्क्वायर हो जाए। फिर फेस लेफ्ट मोड में चलते हैं, पी से बॉक्स सेलेक्ट करें, यूजर सर्च सेलेक्ट करें और फिर एक्स फेस से डिलीट कर दें। ठीक, तो अब इसे सॉल्व मोड में चलते हैं। अब ये इसका बना बॉक्स और हम लोग इसे वाई के ऊपर भी करेंगे। ठीक है, एक्स और वाई दोनों के ऊपर करेंगे और क्लिपिंग ऑन रखें। ठीक हो गया, क्लिपिंग ऑन करने का फायदा ये होगा कि मैं अब इसे ऐसे मूव करूंगा तो ये देखें सारा उस तरह से मूव होता जा रहा है। उम्मीद है ये ज्यादा चीप में लग रहा होगा। तो ये बेसिक यूनिट जो है हमारा अब क्रिएट हो गया है। ठीक, इससे हम लोग आगे सारा करेंगे। तो ये साइड वाले को स्टक करें। ठीक, और इसे थोड़ा सा स्टेशन में विजिबल करें। तो हम लोग चाह रहे हैं कम से कम ये इसका तो होगा ही होगा। तो जेड वाइप हम चल जाते हैं, जो हम स्टेशन जो खुद है उससे वाइप करते हैं, समय उसकी बेस पर वो देखनी है। तो इसे करें जी और एक्स से साइड में ऊपर चल जाए हो गया, ताकि इतना हो जाए कि एक गाड़ी की जगह थी यहाँ पर उतनी कर लेते, इतना वाइड हो गया। ठीक, सेलेक्ट ऑल कर दें फिर से और जी वाई का मूव करते जाए ताकि ये रोड चोरी चोरी होती जाए। ठीक हो गया, तो ये अब उसकी रोड की लंबाई का ये क्रिएट हो गई है। क्लियर हो गया, इसे थोड़ा सा और हम लोग जो है एस वाई पे कट करें ताकि और थोड़ी बहुत लंबी हो जाए। ठीक, और एस एक्स वाला करें तो सोचो टाइम मिल सकें प्लीज हो जाए, आपकी इतनी मर्जी है। ठीक, अब डिस्लेक्ट करें साहब और जो ये साइड है इसकी ये वाला फेस सेलेक्ट कर लें, साइड वाला फेस सॉलिड मोड में चलिए। अगर स्केच सेलेक्ट करें मुश्किल तो सॉलिड मोड में जाएगी, ये सेलेक्ट हो जाते हैं। तो उन्हें ई एक्स साइड के ऊपर मूव करें। ठीक, और जी जेड से थोड़ा ऊपर में लें। उसके बाद सारे के तीन ये जो तीन फेज हो गया। तो इन्हें ई करके यहाँ पे हम ले आते हैं। ठीक, फिर से शुरू कर लें और फिर दूसरे फिर और इन्हें जी और एक्स करके इसका साइड मूव करते जाए। तो ये देखें वो भी फॉर्म भी कीप कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी के साथ ही रहेगा और वो इस तरह से इसी के भी रहें। ठीक हो गया, इस तरह से स्टेशन के ऊपर था, ये देखिए ऐसे अंदर जाके उसका आ गया। ठीक हो गया, और इसके बाद में फाइनली हम लोग ई एक्स और वाई करें तो ये बाकाया जो रोड है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक हो गया, और फिर जो इस साइड वाली डिजाइन है करें तो हम लोग जो वो लाइट्स लगाने के लिए हमें जगह चाहिए होगी। मैं इसके डिजाइन को साथ ज़्यादा डिफरेंट कर रहा हूँ और ये नहीं कर रहा हूँ, इस वजह से ये साइड वाले जो सेलेक्ट कर लिया। तो फिर ई और एक्स करके इस तरफ मूव करें और ये देखें आप वो साइड जो बन गई है जो कि हम लोग लाइट पोल्स लगाएंगे। ठीक हो गया, तो इसे भी हम लोग एक बेसिक मटेरियल दे देते हैं, लेकिन इसे एक में इसे मजबूत मटेरियल दिए जाएंगे। तो न्यू करें,
फिर हम देंगे रॉड पेस्ट के नाम से एक, और इसका कलर हम लोग रख लेते हैं ब्लैक, बाद में मुझे और जो सिंपल बेस वाला जो मटेरियल था इसका वो आप फिर से इसके लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे वही पसंद आया था। ठीक है, एडिट मोड में चलते हैं, डिसलेक्ट सब करें, जो फिर डिसलेक्ट ऑल करें। सबसे पहले जो है ये बेस वाला मटेरियल जो है जो सिंपल बेस वाला मटेरियल है वो असाइन करें सबको, एक मटेरियल की ओर निकल जाए अगर बना चल जाए क्या एक, और फिर डिसलेक्ट सब करें। और जो ये वाला फेस है स्पेसिफिकली ये तीन जो फेसेस हैं या आपके शायद ज्यादा हो वो डिसलेक्ट करें और फिर वो असाइन कर दें। ठीक है, ताकि वो भी ब्लैक कर दे। अभी नहीं ताकि हम लोग बस प्लेस ऑर्डर मटेरियल का इंटरव्यू निशाने के लिए ना, बाद में हम लोग अपने प्रॉपर्टी के से डिजाइन करेंगे। तो एडिट मोड से बाहर आ जाए, अब हम लोग स्टेशन वापस ले आते हैं। तो अब हमारी लुक फिल्म क्या होना स्टार्ट हो रही है, तो रोड जैसे मैसेज की रफनेस को हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं। तो अभी ये मेरा जो है जो बेस लेवल की चीज है तैयार हो गई है। तो इसके बाद जो है हम लोग इसके नीचे जो है स्टेशन की बेस तो ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो इससे हम लोग टैग वाके एडिट मोड में चल जाएं, इस टैग सब करें और सी से निचला पोर्शन है फिर वो था फिर से सेलेक्ट कर लें, फिर से साइड व्यू चल जाए और जी जेड से इसे ऊपर ले जाए ताकि वो अभी भी सारा एक्स्ट्रा पोर्शन सेलेक्ट हो गए हैं। तो से ये आप इसे सीन को फिर जब एडिटिंग काफी करने पड़ती है, मॉडलिंग में पता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं इस वजह से, तो रोड के ऊपर भी आपको नीचे शेड को करने का शेड पैक करने का। तो अब हम लोग उसके ये जो नीचे वाले ट्रंक से हैं ये क्रिएट करते हैं। हो गया, तो उसके लिए हम लोग को मॉडिफाइड कर लेते हैं, इसे बेस कर लेते हैं, बेस रोड नाम दे देते हैं। ये जो क्यूब है ये स्टेशन बेस है, सब सिंपली बेस का नाम देंगे हम लोग। और रोड वाले को क्लिक करते हुए आप पाकिस्तान कुछ हाइट कर दें एक, और इसे जो हम लोग अभी हाइट कर देते हैं आई वाला बटन से दबा के, और शिफ्ट ए करें क्यूब का क्लिक करें एक, और इसे हम लोग आएंगे पिलर पिलर वन, क्योंकि हमें दो पिलर चाहिए इसके लिए। क्या बात है, एडिट मोड में चल जाए जो निचला फेस है वो स्पेस जाया कर रहे हैं एक्स जी फेसेस काटिंग जो उपला फेस उसे स्टेक कर रहे हैं जी जेड को फिर करें एक ना ने, और फिर स्केल से काटे ताकि थोड़ा चौड़ा भी हो जाए, और फिर टी जेड करें एक, और फिर से स्केल काटे इस तरह से। तो ये हमारा एक पिलर कंप्लीट हो गया है, ये हो गया जो स्टेशन का है उसे वापस हम विजिबल ले आते हैं, और जो रोड है उसे भी। ये हमारा एक पिलर था, ये देखिए ठीक लग रहा है। तो इसी पिलर को हम लोग अब जी वाई मूव करके इस साइड पे ले आते हैं, तो और हमें यही पिलर चाहिए होगा लेकिन थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे उधर आगे के लिए। तो ऐसे जो भी शो हो रहा है तो जी बैक से ज्यादा नीचे ले आते हैं कि रोड से छुपा रहे हैं आप। ठीक है, तो पिलर वन ये था, उसे शिफ्ट डी जी वाई मूव करके इधर ले आते हैं एक, तो इसका नाम हम लोग रखेंगे पिलर टू एक, और अब हम लोग अभी को भी हाइड कर देते हैं। तो इसका डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, टैब लॉक एडिट मोड में चल जाए, उसकी जो साइड्स हैं लेफ्ट और राइट वाली इन्हें ई करके कैंसिल करें राइट क्लिक करके, और फिर एस करके आगे लेते जाएं। ठीक है, अब इसका देखने में जी लग रहा है लेकिन इसे फिर एस जेड करें, और ये इस तरह की अजीब सी शेप बहुत ले रहे हैं ठीक, और फिर एस वाई क्लिक करें, तो ये देखिए इसने ऑटोमेटिकली ये सर्च की शेप दे दी है। ठीक हो गया, तो क्या जो रेट में सुबह चल जाते हैं,
आई थिंक ज़्यादा वाइट हो गया, क्या करें, मैं वापस चला जाए और इसके ऊपर हम लोग कंट्रोल आर इस्तेमाल करते हैं। अभी 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, वापस आइए देन उसे मूव कर देते हैं। ठीक है गाइस, हम लोग इसके ऊपर भी अब हम लोग मिरर मॉडिफायर अप्लाई कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा यूज करने में आसानी हो जाए। ठीक हो गया, वाइट मोड में चले जाए, मोस्ट ऑफ लेफ्ट साइड में चले जाते हैं और बी से बॉक्स लेफ्ट तो एसीज है उनको सिलेक्ट करने हमें। ठीक, तो जब लोगों ने फाइव बार अप्लाई करें तो एक्स एसीज लीड कर दिए। लेकिन इससे वर्टिसेस अभी भी ठीक नहीं होते हैं, तो ये क्योंकि हमने मेन मोड पर अप्लाई किया था जैसे ये स्टार्ट कर चुका था, तो अब जो है फेस पैक मोड में आते हैं। और फिर से आर से रोटेट कर देते हैं एक अप्रोप्रिएट लेवल का, तो एस जेड से स्केल कर देते हैं नीचे तो शेप के लिए और फिर जी एक्स से अंदर ले जाएं। तो फेस को वापस लाके देखें कि कितना उसका साइज अप्रोप्रिएट लग रहा है, इससे डोर फेस के अंदर हिडन होना चाहिए। तो जी एक्स पे से साइड के ऊपर कर दें और एस वाई से थोड़ा सा और अंदर दे दें, इस तरह से ये एक और क्रिएट हो गया। फिर अब हमें बार बार कहीं मल्टीपल पिलर्स क्रिएट करने पड़े तो काफी मुश्किल सही बात होगी ऑब्वियसली, क्योंकि बार बार बनाता हूँ और कटा रहे साइड टू क्रिएट करके उसका साथ ही चाहिए था। हम लोग दोनों मॉडिफायर इस्तेमाल करेंगे, पहले वाले पिलर को पिलर बार को सिंपल वाला उसे क्लिक करें, क्लिक करें एड मॉडिफायर, क्लिक करें एरे मॉडिफायर। ठीक, तो इसके अंदर हम लोग जो वाई एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग करेंगे तो वन क्लिक करें, ठीक है, वो वाई एक्सिस के ऊपर क्लिक करा उसके माइनस वन क्लिक, हम लोग इस साइड पर जा रहे हैं सीधा से। ठीक, और जो एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू जीरो कर दें। ठीक, और ऑफसेट थोड़ा सा काउंट इंक्रीज करते जाए, ठीक है, जितना काउंट इंक्रीज करना उतना होगा, लेकिन ये आई थिंक माइनस टू के ऊपर करेंगे, लेकिन स्पेस अगर मेरे को भी डाली तो मैं माइनस थ्री कर देता हूँ। ठीक, ऑफ इससे ये स्पेस इंक्रीज में ज़्यादा इंक्रीज होगी, ठीक है, और इसका जो काउंट हम थोड़ा कम कर देते हैं, आई थिंक इतना काफ़ी है। और फिर जो दूसरे वाला बड़े वाला प्लेटा प्लेट हूँ उससे भी फिर एरे मॉडिफायर दे दें। ठीक, तो फिर से अगेन जो एक्स है उसे जीरो कर दें, y के ऊपर 1 कर दें, ठीक है, दोनों के साथ अगर सिमिलर सेटिंग्स होगी, y के ऊपर 1 के बजाय माइनस 2 करें ताकि उसकी स्पेस है, आई थिंक पहले वाले को देखते थे, पहले वाले दिन हमने माइनस 3 किया था, तो उसी तरह से इसे भी माइनस 3 करें ताकि उसके अंदर दोनों में स्पेस के बाद माइनस 3 किया। ठीक, और जो काउंट हम इंक्रीज करते हैं तो ये आप देखिए कहाँ तक जरूरत पड़ेगी, तकरीबन मुझे 10 पर ही आपको डिफरेंट पड़ेगी, जरूरत नहीं सब दोनों का सेम ही है। ठीक हो गया, तो ये इस तरह से प्लेस होगा उसी तरह से, और उसी तरह से ये जो पहले वाला है उसे सेलेक्ट करें 3y शिफ्ट डी जी वाई और इसे मूव करें, और मेरा पार्ट जो है ऑटोमेटिकली फाइव पैसे मूव हुआ था, तो उसी से वापस दूसरे को न्यूटर ने मूव कर ली हुई, लेकिन सारे पिलर्स आराम से क्रिएट हो गए। तो इन पिलर्स को भी हम लोग जो है मटीरियल वो जो बेस वाला मटीरियल हम वही दे देते हैं, क्योंकि एक बार मेरा डाला ये वही ठीक करूंगा। तो अब हम लोग देखते हैं, आई थिंक लाइट इस टाइम तक हमें अब ऐड कर लेनी चाहिए, तो अभी के लिए मैं एक सिंपल सन लैंप ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, सन जैसे कि ग्लोबल इल्यूमिनेशन होती है, जी एफ साइकिल में मूव कर देते हैं, स्ट्रेंथ इसकी मैं सभी अभी के लिए कर लेता हूँ, और स्ट्रेंथ इसकी थोड़ी गैलरी टाइप की लाइट होती है ताकि वहाँ फील लग रहा है, और जी जेड सा कहते हैं क्योंकि बिल्कुल ऊपर से ज्यादा है, फर्क नहीं पड़ता कि साइड पे है कि नहीं, लेकिन ग्लोबल इल्यूमिनेशन की ज्यादा पता है जैसे ऐसा होगा, तो इसे हम लोग रोटेट थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर देते हैं, तो ये देखिए शेडोज के लिए कास्ट होना शुरू हो गए हैं। ठीक हो गया, इस तरह से ठीक लगेगा, और बिल्कुल लाइट इसी को इतनी ठीक लगेगी। तो अब हम लोग आगे जो है बाकी समुद्र और बाकी जो सीन है उसके ऊपर काम स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों का शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, मेरे इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह के ऊपर भी आप मुझे फॉलो करें ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट का पता चलता रहे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।